ओके गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं, जस्ट मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आपसे के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि लाइक मैं थोड़े दिन पहले दिवाली पे लाइक आई वाज गोइंग फॉर द पार्लर, उनने मेरे हेयर का की लाइक कंडीशन देख के उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट किया था। लाइक आई एम नॉट लाइक मेकअप पर्सन एज यू हैव नो, मैंने जैसे रैनी का आपको फेस पॉप पैक का वीडियो बना के डाला था, आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन, आई एम नॉट लाइक हाई ब्रांडेड पर्सन के मुझे ये चीज़ें ही यूज़ करनी है। सो जैसे फ़र्स्ट टाइम मैंने वो प्रोडक्ट यूज़ किया था, वैसे ही मैंने ये फ़र्स्ट टाइम में ये वाले लॉरियल का भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे पार्लर पर्सन ने सजेस्ट किया था, जो ओनर है उनके, बोला आप एक बार यूज़ कीजिए, उनके यहाँ से ही प्रोडक्ट मैंने लिया है। ऑफकोर्स ये वहाँ पे मुझे MRP पे ही मिले हैं सब प्रोडक्ट, जो बहुत बहुत कॉस्टली है फॉर मी ऑफकोर्स, बट मैंने सोचा लेट्स गिव अ ट्राई फॉर द वन टाइम, देन आफ्टर दैट आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकती हूँ मैं, ऑफकोर्स जो मुझे अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा कोई भी डील आएगा तो, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सोचा वहाँ से परचेज कर लेते हैं। ऑफकोर्स ये MRP पे मिला है, बहुत महंगा मिला है। आई हैव सर्च इट ऑनलाइन ऑल्सो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था प्राइस पे, सो आई वाज लाइक इट्स ओके अगर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो। सो या उनने मुझे तीन चीज़ें है कंडीशन के हिसाब से सजेस्ट की थी, कि आप देख सकते हैं ये है लॉरियल का प्रोफेशनल पैरिस। अब ये क्या चीज़ है, ओके इट्स लेस अनलिमिटेड पोरे कैरेटीन मास्क, प्रोफेशनल मास्क है ये, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये यूज़ करना है, दिस इज़ अ लेस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोफेशनल है ये आपका, ठीक है, प्रोफेशनल शैम्पू है। इंटेंसिव स्मूथनिंग फॉर अनरूली हेयर, ओके आई डोंट नो ये मुझे क्यों सजेस्ट किया गया है, बट आई एम ट्रस्टिंग द प्रोफेशनल पर्सन ऑफ द पार्लर कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है तो ये अच्छा ही होगा, ठीक है। MRP बहुत महंगा है, या इट्स यू कैन सी इट्स 745 rupees, इट्स वेरी कॉस्टली, बट लेट्स गिव अ ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स 300 ml का है ये एंड इट्स 745, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था, लाइक मैंने उन्हें बताया कि ये बहुत महंगा है, एंड ही वॉज लाइक कि ये आप जो नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर करते हो उससे ये हाफ ही यूज़ में आपको लेना है, मतलब ये बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी ये एक बॉटल अगर 300 ml आपकी जो दूसरे शैम्पू की है तो ये आपकी 600 ml तक आपकी यूज़ होगी, मतलब ये बहुत कम में आपका बहुत ज़्यादा काम करता है। सो इज लाइक ओके लेट्स गिव अ ट्राई। सो फर्स्ट आपको ये अकॉर्डिंग टू हिम, फर्स्ट आपको ये शैम्पू यूज़ करना है, शैम्पू यूज़ करके यू हैव टू वॉश इट थरली, देन यू हैव टू अप्लाई दिस प्रोफेशनल हेयर मास्क। ये आपको सिर्फ रूट्स पे अप्लाई करना है, ओके मतलब लाइक नीचे आपके जितने लेंथ है उसी पे, स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना, ये आपको अच्छे से स्कैल्प पे यूज़ करना है शैम्पू, बट फॉर दिस हेयर मास्क यू हैव टू यूज़ इट ओनली फॉर द रूट्स पर्पस, ओके। देन आपको ये 5 से 7 मिनट रखना है रूट्स पे, उसके बाद आपको इसको अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। ये हो गया आपका लाइक फॉर द शैम्पू पर्पस। देन और ये मैंने इनसे ये भी पूछा था कि ये लाइक कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स आप पूरी फैमिली में रहते तो ऐसा नहीं कि ये शैम्पू आप ही यूज़ करेंगे, मे बी कभी ये पर्सन किसी आपके ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, किसी ने भी यूज़ करा, सो दे वॉज लाइक कि नहीं इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे आते हैं, ये उनने मेरे हेयर टाइप को देख के ही मुझे सजेस्ट किया, बट ऐसा नहीं है कि दूसरे हेयर टाइप पे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, मे बी इसका इतना वो उनको बेनिफिशियल नहीं होगा ये प्रोडक्ट, बट ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई साइड इफ़ेक्ट है। सो इज लाइक आई वॉज लाइक वेरी मच रिलीफ कि ओके कभी गलती से भी किसी और ने भी यूज़ कर लिया, सो इट्स हैव नॉट हैविंग एनी साइड इफेक्ट, और ऑफकोर्स ही मैं दूसरे पे भी यूज़ करने वाली हूँ, लाइक मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कि भाई उनको भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, और आई हैव टू सी कि हो सकता है उनके लिए भी बहुत अच्छा यूज़ में। जैसे कि ओके नाउ लाइक दिस इज़ अ हेयर सिरम भी उन्होंने मुझे दिया है ऑरा का, इट्स सिल्की सिरम, ओके, डी फ्रीजेज द शाइन, प्रोटेक्ट्स, ओके, एनरिच विथ एर्गन ऑयल, ओके ओके। मैंने आपको इसका MRP नहीं बताता, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, ओके, इट्स लॉरियल पैलेस, या इट्स 920 rupees, ओके, इट्स वेरी 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 कॉस्टली फॉर मी, और ये 250 ग्राम ही है, उससे कम है शैम्पू से, वो 300 ग्राम्स था, 720 rupees का था,
और इट्स लाइक 250 ग्राम्स और ये 920 रुपीज़ का है. इट्स वेरी कॉस्टली. व्हाट शुड आई से, इट्स वेरी कॉस्टली. ये इतना कॉस्टली थे कि मैंने और भी जो प्रोडक्ट मेरे अमेजोन पे ऐड कर रखे थे, लाइक अभी डील्स आएंगी बहुत सारी, लाइक ब्लैक फ्राइडे डील्स है, क्रिसमस डील्स है, न्यू ईयर डील्स आएंगी, उसके लिए मैंने कार्ड में रख रखी थी. लाइक अभी मैंने उनको होल्ड पे रख दिया बिकॉज इट्स लाइक वेरी कॉस्टली जो मैंने अभी परचेस किया है. एंड आई एम लाइक यू नो आई एम लाइक नो थिंकिंग बाय, मैं सोचती नहीं हूँ मुझे लेना है, मैं एकदम ले लेती हूँ. एंड देन आफ्टर दैट मैं बहुत पछताती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है. बट लेट्स गिव इट ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम. या सो इट्स सिरम इज़ ओके. इट्स ऑरा का ये सिरम उन्होंने मुझे दिया है. यही एक चीज़ है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. इट्स 245 रुपीज़. या इनके मैंने सबकी एक्सपायरी डेट देख ली थी. इट्स 26 26 एंड इट्स 25 ओके 2025. सब में ले रखा है. ओके ये इसके लिए मुझे ये बोला गया था आप ये दोनों यूज़ कर लीजिए आराम से, उसके बाद में आप इसको सीरम को रूट्स में इसको भी लगाइए. स्कैल्प इज़ नॉट अबाउट फॉर द स्कैल्प, दिस बोट इज़ नॉट फॉर द स्कैल्प, इट्स फॉर द स्कैल्प. ओके शैम्पू. सो ये आराम से आप इसको यूज़ कीजिए. इट्स आफ्टर आप इसको रूट्स पे लगाइए, बहुत आपके शाइन देंगे. और इसमें लिखा हुआ है, जैसे मैं पढ़ती भी हूँ हमेशा, आई एम नॉट लाइक कि मैं फुल ट्रस्ट करती हूँ किसी पे भी जो भी उनने बोला है. मैं जो भी प्रोफेशनल है, जो भी इसमें लिखा है, वो बिल्कुल पूरा पढ़ती हूँ. और आपको भी पूरा पढ़ना चाहिए जो भी लिखा हुआ है. सो इसमें अकॉर्डिंग टू देम ये आपको थ्रू आउट अ डे आप कभी भी यूज़ कर सकते हो जब आपको लग रहा है आपके हेयर फ्रीजी है. तो इट्स नॉट इट्स वेरी सेफ. ओके लेट मी ओपन दिस टू बॉटल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू व्हाट इज़ दिस. ठीक है. सो जैसे एक मुझे जो ये इसमें कंप्लेन लगी कि लाइक इसमें ये पैक नहीं है, सील पैक नहीं है, लाइक इट्स ओपन, यू कैन सी इट्स ओपन, बट ये फुल है, बट ये ओपन है. या क्लोज इट. इस ढक्कन पे भी इसने लॉक दे रखा है बाद में यूज़ करने के लिए. मैंने आपको पूरा खुल के इसलिए बताया कि इसमें ये सील पैक नहीं है इसके लिए. ओके ये हो गया आपका शैम्पू. या नाउ दिस इज़ योर हेयर मास्क. ये पूरा भरा है, ये भी सील पैक नहीं है. मैंने उनसे पूछा था बट लाइक नहीं, ये सील पैक नहीं रहता है. सो लाइक ठीक है, ले लेते एक बार. अब उनने मुझे एक चीज़ क्या बताई थी, लेट मी शो यू, कि आप इसको उल्टा करेंगे ये गिरेगा नहीं. और लाइक ओके, आई वाज लाइक सो शॉक्ड, लाइक ये गिरता नहीं है. मैंने कहा ओके, इस फॉर द फर्स्ट टाइम मे बी आप लोगों को सिली लगेगा, आप लोगों ने बहुत यूज़ कर रखा होगा, बट फॉर मी इट्स लाइक व्हाट शुड आई से, इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम ये गिरा नहीं है. इट्स वेरी नाइस. ओके आई हैव अ क्वेश्चन, ये इस पर कैसे लगा अगर ये गिरा नहीं. आई डोंट नो. या सो ये उन्होंने मुझे बताया था ट्रिक. आई वॉज लाइक वेरी शॉक्ड. सो ये आपका हो गया शैम्पू लॉरियल का ही, एंड दैट्स वी आर हैविंग लॉरियल का फेस मास्क. एंड लेट्स सी ये सीरम कैसा दिखता है. ओके गाइस, तो देखते हैं हमारा सीरम कैसा दिखता है. ओके या वाओ, इट्स लुकिंग वेरी नाइस. इट्स लाइक ये स्प्रे बॉटल है, लुकिंग वेरी क्लासी, वेरी स्टाइलिश. यू कैन सी बहुत स्टाइलिश लग रहा है ये. इट्स सिल्की सीरम फ्रीजी, जैसे मैंने आपको बताया था ओरा का है, बहुत अच्छा कलर है, स्प्रे है, वेरी नाइस, लुकिंग वेरी स्टाइलिश आई मस्ट से. सो वी हैविंग दिस ट्रिस प्रोडक्ट शैम्पू लॉरियल पेरिस का शैम्पू लॉरियल फेस मास्क एंड ओरा का स्प्रे. ओके सीरम स्प्रे. और जो मुझे सजेस्ट किया गया था कि शैम्पू फेस मास्क के आराम से यूज़ करने के बाद आप रूट्स में लगाइए इसको और इस यस. सो गाइज आपने जैसे देखा, मैंने आपको तीनों बताया, ये था ओरा का हमारे पास सीरम जो बहुत क्लासिक और बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है कैरी करने में. एंड कलर इज वेरी वेरी ओके नाइस, वेरी नाइस. और ये है हमारे पास शैम्पू, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है ना पुराने कोई सोल्यूशन हो पुराने ट्रीटमेंट का, ऐसा लाइक लॉरियल जैसा कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है मुझे. इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव. एंड दिस इज़ हेयर मास्क लिट. आई जस्ट होप मैंने इतना खर्चा किया है सो ये बहुत बेनिफिशियल हो. स्मेल बहुत अच्छी है लॉरियल की, ट्रेस में एंड लॉरियल बहुत अच्छी स्मेल है. ओके लेट्स सी, अब मैं आपको यूज़ करके बताऊँगी इनका कैसा रिव्यू है कमेंट में. आपके लिए भी कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, प्लीज़ कमेंट दीजिएगा मुझे. और आप सजेस्ट कीजिएगा कुछ और अच्छा ब्रांड हो यूज़ करने के लिए. सो आई विल डेफिनेटली कमेंट एंड यूज़ इट. बट लेट्स आई होप ये बहुत अच्छा ब्रांड है तो अच्छा ही हो. सो या स्टे ट्यून्ड विद आवर ग्रुप एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. एंड या
प्लीज़ कंटिन्यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट वट एवर क्वेश्चन यू हैव. डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी थिंग. जो भी आपके क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी थिंग, रिगार्डिंग अबाउट शॉपिंग, अबाउट क्लोदिंग, अबाउट बेकिंग, अबाउट एनी न्यू रेसिपीज, वट एवर यू हैव अ क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड या I will also update, like it's going to be a winter season, I will going to update about baking things also. I am very much interested in baking also, so yeah, stay tuned with this products also. And yeah, see you then, bye bye.